दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव प्याजे। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस और अन्य राज्य के टीईटी एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन आएगी उसको भी आप दबा दीजिए। तो जीव प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें बच्चों का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। बालकों में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, किस ढंग से होता है, इस चीज़ को जानने के लिए जीव प्याजे ने अपने बच्चों पर ही खोज करना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि बच्चा में बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, किस स्टेज में कितना बुद्धि का विकास होता है, बच्चा किस तरह से सोचता है, कैसे उसमें बुद्धि डेवलप होती है। इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने अपने बच्चों पर ही शोध करना शुरू कर दिया, खोज करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बालक बढ़ता गया उनका, वैसे वैसे उन अवस्थाओं को रीड करते गए, उस पर खोज करते चले गए। उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास की क्रिया को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और अंततः उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मानसिक विकास का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि बुद्धि का विकास 4 स्टेज में होता है, 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है बच्चों में, जो उन्होंने इस रूप में उन्होंने बताया। ये 1, 2, 3 और 4 उन्होंने 4 अवस्थाएं बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में और मानसिक विकास के सिद्धांत में, जिसमें पहला आप सभी देख सकते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था या उसका दूसरा नाम है इंद्रजनित गामक अवस्था। उनका कहना है कि ये जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष की आयु वाले बालक में पाया जाता है और इस अवस्था में बालक अनुभव एवं शारीरिक क्रिया द्वारा ही सीखता है, समझता है। क्योंकि जब बच्चा 2 साल का होता है, 0 से 2 साल का होता है, उस समय उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो शुरुआती होती है, धीरे धीरे विकसित होती रहती है और बालक जो होता है संवेदी अंग द्वारा, संवेदी अंग जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उससे बच्चा सोचता है। जैसे बालक जब जन्म लेता है तो वो रोता है और तो रोता है तो माँ उसको क्या करती है, दूध देती है, कुछ खाने के लिए देती है। तो बच्चा जब रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि वो उसे क्या चाहिए। तो बच्चा जो है उस अवस्था में बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने जो ज्ञानेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, उससे अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और माँ उसकी समझ जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जब अपने माँ के गोद में होती है और कोई व्यक्ति अगर उस बच्चे को माँ से लेता है, गोद अपने गोद में लेता है, तो वो बच्चा रोने लगता है। आपने इसको गौर किया होगा कि वो बच्चा इसलिए रोने लगता है क्योंकि वो बच्चा अपने माँ के शरीर के गंध, सुगंध को समझ रहा है, वो देखता है, महसूस करता है कि ये मेरी माँ है। और जब उसको आप अलग करते हैं तो वो रोने लगता है। तो वे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उससे वो वर्क करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा खिलौना लेने के लिए चादर को खींचता है, भूख लगने पर रोता है, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उसका प्रयोग करता है। किसी वस्तु को बार बार देखता है, बोल तो सकता नहीं है क्योंकि इस स्टेज में बोलने की क्षमता विकसित नहीं होती है, वो अपनी बातों को रोककर व्यक्त करता है। दूसरी अवस्था है, देख सकते हैं आप सभी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के बालक में पाई जाती है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं कि आपसे पूछेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से किसे जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और लास्ट अंततः आपको ये टिक लगाना होगा। तो इस अवस्था में भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा वस्तु को पहचानने, अंतर करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है।
वहीं पे नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है बालक में वो बढ़ जाती है, वहीं पे मित्रता करने की जो इच्छा होती है बढ़ जाती है। इस अवस्था में अगर बालक के सामने जो वस्तु रखा जाता है वही उसका अस्तित्व होता है। अगर उस वस्तु को हटा लिया जाए, अगर बालक के समक्ष इस पेन को दिखाया जाए, तो जब तक ये पेन उसके नज़र के सामने है तब तक ये वस्तु है, और जैसे ही ये वस्तु उसके नज़र से हटती है तो उसे वो भूल जाता है। के समक्ष जो भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है वही उसका अस्तित्व है। उसको हटा लेने के बाद उसका अस्तित्व यानी कि उस पर सोचना वो बंद कर देता है। वहीं पे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था कराती है, और ये 7 साल से 11 साल तक के बच्चों में पाई जाती है, और इस उम्र के बालक में चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता पूर्व आयु के तुलना में अधिक होती है, कल्पना शक्ति की वृद्धि होती है, वहीं पे वस्तु में विभेद करना चिन्ह जाता है, वस्तु वो पहचानना शुरू कर देता है। अगर आप उसको बुक दे दीजिएगा, पेन दे दीजिएगा, तो वो उसको अलग अलग कर देगा। मान लीजिए अगर आप बॉल है, बैट है, सभी को मिक्स करके आप पेन है सभी को मिक्स करके आप इकट्ठा एक जगह दीजिएगा तो बच्चा उसको छांट देगा कि ये पेन है, ये बॉल है, ये बैट है, उसको अलग अलग करके उसको बांट देता है। पूर्व अवस्था की तुलना में अधिक हो जाती है, वहीं पे पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की भी क्षमता उसमें विकसित हो जाती है, और वो समाज के जो नियम कानून है वो बच्चा धीरे धीरे सीखने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो होती है 11 वर्ष से आगे के आयु वाले बालक में पाई जाती है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है किसी वस्तु की कल्पना करना। अगर मान लीजिए कि हम एरोप्लेन की बात करें तो बच्चा के दिमाग में इस बात चलने लगती है कि एरोप्लेन, वो कल्पना करने लगता है और उसके माइंड में एरोप्लेन की छवि प्रदर्शित हो जाती है। वो प्रत्यक्ष रूप में होता नहीं है लेकिन वो उसका कल्पना करने लगता है, इसी को हम लोग अमूर्त चिंतन करते हैं, जिसका मूर्त रूप में नहीं हो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं हो, इसे ही अमूर्त चिंतन कहते हैं। वहीं पे संप्रेषण का विकास इस अवस्था में बालक में हो जाता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करने की अवस्था का विकास काफी हो जाता है, सोचने की जो क्षमता होती है इस आयु में काफी विकास करता है। तो इस तरह से इस 4 जो अवस्थाएं हैं जिन प्याजे जी द्वारा दिया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है और इसे आपको काफी महत्वपूर्ण पोर्शन इसे राइज होता है, तो इस वीडियो को आप 2 बार 4 बार इसको प्ले करके देखिए, और आपको एक वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए नेक्स्ट जो भी वीडियो आए, ताकि आपको अपडेट मालूम चल जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।